हेलो दोस्तों, आपका मायाज परफेक्ट रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत लाल मिर्च की चटनी। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च और काचरी और टमाटर। टमाटर डालने से चटनी सॉफ्ट बनती है। अब हम इनको मिक्सर में डालेंगे। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। चीनी से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इन लहसुन को पीस लेंगे। ये देखो, हमने लाल मिर्च पीस ली है। कितना सुंदर कलर आया इसमें दोस्तों। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसको तेज आंच पे कुछ डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार तेल लेंगे। मैंने रिफाइंड वाला तेल लिया है। आपको जो भी काम में होती है वो आप काम में लो। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और ये जीरा चटकने लग गया है। इसमें पहले थोड़ी हल्दी डालेंगे, इससे ना कलर अच्छा आता है। अब इसमें लाल मिर्च की चटनी डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। हमने इसमें ना चीनी और नमक तो है ना पीसने में काम में ले लिया था। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। ये काजी और साबुत लाल मिर्च की चटनी तैयार हो रही है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ये देखो कितना सुंदर, कितना अच्छा कलर है। इसे लोग सब्जियों में अब मैं 10 मिनट के लिए मंदी आंच पे ढक्कन लगा के इसको छोड़ दूंगी, फिर ये चटनी तेल छोड़ देगी। ये हमारी लाल मिर्च और काजरी की चटनी तैयार है। तेल छोड़ दिया है, ये पक के तैयार हो गई है। इतनी अच्छी दोस्तों, ये देखो हमने चटनी बनाई, कितना अच्छा कलर आया है। हमारी चटनी तैयार है। इसे लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।